नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सच न्यूज़ के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जिस तरह से हाल ही में कल जो है एक नोटिफिकेशन जारी होती है एलजी ऑफिस द्वारा, जिसमें लिखा जाता है कि 9 अप्रैल से यानी आज के दिन से जो है नाइट कर्फ्यू लगा जाएगा, वहीं पर दूसरी ओर आज प्रेस क्लब में प्रदर्शन करते नजर आते हैं जागरण वाले, डीजे सिस्टम वाले, डीजे साउंड वाले, इस बात को लेकर कि क्यों जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया। क्योंकि हाल ही में जो एक साल है कोरोना में बीता और इस कोरोना काल में बहुत से नुकसान जो है लोगों को झेलने पड़े, आज वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर लोग नजर आए। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह रही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सब तो पहले जय माता दी। तो असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुस आए साड़ी एक न्यूज़ लैन वास्ते, साड़ी जी गल जी गौरमेंट तक पहुँचानी है तुसें। तो कल जी न्यूज़ आई है कि 10 बजे कोलू लेइयै सवेरे 6 बजे तक जोड़ा कर्फ्यू लाया जाएगा। देखो, 2 साल हो गया सानू ये जी मार असी झलते पे हाँ। राती जरा किसी नूं फर्क पैंदा, सिर्फ फर्क किनू पैंदा, जिहड़े कलाकार ने डीजे वाले जां साउंड वाले जां जगराते वाले ने जां भवन वाले ने, ते उहनां नूं मार लगदी है। क्योंकि नराते जिहड़े पिछले भी साडे इस तरह चले गए सी, हुण नराते आए 13 तरीक पहला नराता है, ते पहले नराते दे विच 9 तरीक इहने लाकडाउन कर दिता, कर्फ्यू लगा दिता है। अस गौरमेंट अगे इहे अपील करने आ कि जिहड़े साडा जगराते जिहड़े जां डीजे वाले ने सानूं 200 बंदे दी जिहड़ी सानूं परमिशन दित्ती आ, जिहड़े अस जगराता जां आर्केस्ट्रा जां डीजे अस करी सकचै। तो देखो, साढ़े नाल जिहड़े 20-20 बंदे जुड़े दे ने, 20 बंदे की रोजी रोटी जिहड़ी जगराते दे सिर ते चल रही है। अगर असी जगराते नहीं करांगे, अस हर घर दे विच एक माता रानी दी जोत जगाने आ। इह साडा जिहड़ा जम्मू शहर है, एक मंदरे दा शहर है, ते इत्थे मंदरे दा शहर दे विच भी लाकडाउन जे ला दे ने, फिर साडा की फायदा। जाण के अस कलाकार आ, अस इहो चाहुंदे आ कि सानू जिहड़े देखो हुण जिहड़े असी जगराते बुक कीते दे ने, वो जगराते वाले सानू फोन करते, महाराज कर्फ्यू लगी है, असं तुहाडे कोल जगराता नहीं कराना, दसो साडा परिवार जाण के वो कुत्थे जाएगा। जे असं जगराते नहीं करेंगे तो असं खानी कित्थों है। अस गौरमेंट अगे इहे अपील करने आ कि साडी सुनाई होनी चाहीदी है कि जिहड़ा असं 200 बंदे दा साडा जिहड़ा जागरण जिहड़ा असीं कर सकने आ 200 बंदे दे विच। गौरमेंट अगे इहे अपील करने आ कि सानू परमिशन ये दित्ती जा। जिस तरह से सर लास्ट ईयर भी कोरोना काल रहा और कहीं ना कहीं नुकसान भी जो है देखने को मिला, तो इस बार आप क्या डिमांड करेंगे? जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लग गया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ को वेलकम करता हूं कि जो मीडिया की बहुत पहुंच होती है और इनके माध्यम से ही हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि क्या जो कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, क्या ये जागरण या संकीर्तन करने वालों के ऊपर ही है? क्या दिन को जो काम करते हैं, जो रैलियां निकाली जाती हैं, गवर्नमेंट इतनी इतनी बड़ी रैलियां निकाल रही है, उसमें क्या ये कोरोना काम नहीं कर रहा? गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जो डिपेंड है, जो हमारे जागरण कर पार्टीज़ हैं, जो डीजे साउंड सिस्टम वाले हैं, जो डिपेंड हैं, सारा कारोबारी जो बच्चे पाल रहे हैं इसी पर डिपेंड है। देखो, हमारी नौकरी नहीं है, हम हर महीने कोई तनख्वाह तो ले नहीं रहे, हम डिपेंड हैं कि हर महीने जो हमारा सीजनल वर्क होता, और जब हमारा सीजन पीछे भी जब सीजन आया था तो कुछ ही दिनों के बाद ये लॉकडाउन हो गया, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि ये जो नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, कि हमारे जो जागरण पार्टी के लोग हैं इनको इजाज़त दी जाए कम से कम 200 बंदों की, ताकि ये लोग अपना जागरण करके, तो महामाई की आराधना करके, जो जागरण भी तो ये लोग महामाई की कृपा से यही उन लोगों की मांग करते हैं कि भलाई के लिए तो करते हैं हम लोग, है ना? तो जब लोगों की भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या ये दिखा नहीं है? गवर्नमेंट को दिखना चाहिए ना, ये बात मतलब सामने आनी चाहिए कि जो लोगों को कितनी परेशानी पहले भी करना पड़ी और अब भी करना पड़ रही है। जी सर, जिस तरह से साउंड सिस्टम का रहता है शादियों में ज़्यादा, तो क्या कहेंगे आपकी शादियों भी, अब शादियों का सीज़न भी आ गया, तो उस तरह से जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, क्या कहेंगे उस तरह? देखिए मैम, ये बीमारी है जो, ये सिर्फ हमारे लिए क्या कि सबके जागरण वगैरह बंद करवा दिए, 10 कर्फ्यू लगाया, ये लास्ट टाइम 2 सीज़न हमारे ऐसे ही गए कि बंद सब कुछ बंद रखा। इसलिए गवर्नमेंट गवर्नर साहब से ये अपील है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो सबके लिए जो भी डिसीजन ले, मैक्सिमम 200 बंदों की गैदरिंग अलाउड होनी चाहिए। जी, बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीजे साउंड सिस्टम और जागरण के कुछ लोग। जिस तरह से बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है इनकी, लास्ट ईयर भी इसी साल जो इसी दिन को जो है कोरोना काल हुआ था, इसी मंथ को,
तो बहुत से जो है इन्हें नुकसान झेलने पड़े थे, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और कहीं ना कहीं अगर हम कह लें कि इन्हें इनकी इकनॉमी में भी जो है बहुत फ़र्क नज़र आया था पड़ता हुआ, बहुत से नुकसान का सामना इन्हें करना पड़ा। तो इसीलिए इनकी एक जैनून सी डिमांड है कि ज़्यादा गैदरिंग ना करते हुए कम से कम इन्हें 200 बंदों की जो है मंजूरी दी जाए कि ये अपना काम जो है इसी तरह करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहें सच न्यूज़ के साथ।